कैसा लगा? भौजाई, घर तो एकदम चितचोर है। एक मिनट, क्या? चितचोर? चितचोर नहीं पता आपको? चितचोर माने जो दिल को चुरा ले, मन को चुरा ले, बिल्कुल वैसा है। अपनी खुद की डिक्शनरी बनाने में ना तू मेरी पूरी बहन है। गौरी, मैंने तुझे बहुत मिस किया। तुझे क्या, मैंने घर पे सबको बहुत मिस किया। और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती आपकी कमी हमें कितनी महसूस हुई भौजाई, जब हमारे सामने पूरा घर बिखर रहा था। अच्छा छोड़िए सब, अब तो हम साथ हैं ना। वैसे तुझे हैरानी हो रही है ना कि मैंने ऐसा खिड़की तोड़ कटरीना कैफ जैसा चमचमाता घर कैसे मेंटेन किया? तुझे एक बात बताओ, ये है मेरा जीएल वाला अवतार। हमारी डिक्शनरी की बातें, जीएल का होता है? तुझे जीएल नहीं पता? अच्छा सॉरी सॉरी, कैसे पता होगा? गृह लक्ष्मी। तो आपका ये गृह लक्ष्मी वाला रूप ना हमें बहुत अच्छा लगा, एकदम खिड़की तोड़। अरे गौरी, ये तो कुछ भी नहीं है, जो अलमारियां हैं और जो दराजे हैं उसमें जो सामान है ना, मैंने ऐसे बाल्टी भर भर के सलीके और तरीके रखा, एकदम टकाटक। हाँ तो देखते हैं। ये पक्का शिवाई ने किया होगा। हो जाए, अब ये आपका घर लग रहा है हमें। मैं क्या करूं? देख शिवाई ना रोज नई नई आइटमें ले आते हैं, अब जगह है नहीं इस घर में रखने के लिए, इसे मुझे टूटना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर देंगे। कोई जरूरत नहीं, छोड़ ना, शिवाई कर देंगे। तुझे मैं अपना कमरा दिखाती हूँ, चल बड़े जा, चल ना। एक मिनट एक मिनट, भौजाई ये कहाँ है? क्या हुआ भौजाई? कुछ नहीं, मैं इसमें वो किराएदारों का सामान पड़ा है, छोड़ ना, तुझे मैं कमरा दिखाती हूँ, चल। प्रवीज, खाने तैयार है, चलो। हाँ खाना तैयार है, चल। एक मिनट एक मिनट, मैंने ऐसा नौ पहले कभी नहीं देखा। काफी इंटरेस्टिंग है। क्या कहते हैं, साइकिल वाला दरवाजा? हमें भी बड़ा अतरंगी लगा। हाँ, खुलता कैसे है? जोड़ी भैया, चाबी से ही खुलेगा ना? क्यों, जरूर जोड़ी है? वो अली बाबा और कितने चोर थे? चाली। चाली तो उनका कैसे खुलता था? खुल जा सिम से। ये मुझे लग रहा है साइकिल की घंटी से खुलता होगा। है? बच्चों की तरह इस दरवाजे के पीछे पड़ गए हो। चलो खाना खाना ठंडा हो जाएगा और शिवाय गर्म हो जाएगा। अरे पर पता तुझे नहीं इसके पीछे है क्या दरवाजे के अंदर? ना वो किराएदारों का कुछ सामान पड़ा है, हमें क्या करना, चलो ना। अरे पहले मैं देख लूं खुलता कैसे है, एक बार पता चल जाए। देखो क्या हुआ? मत एक मिनट,
हम कह रहे थे कि खाना खा लेते हैं पहले, अभी अंदर दरवाजा तो खुल गया है ना, तो पहले खाना खा लेते हैं। हाँ चलो देख लेते क्या था। क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? अभी आपको छुपा रहे हो। वो दरअसल वो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर वो साइकिल के रूम वाला दरवाजा हमेशा बंद रहता है तो वो अंदर कैसे जा सकता है? बात सिर्फ उस रूम की नहीं है, जब से अनिका इस घर में आई है तभी से उसे यहाँ एक औरत दिखती है, कभी घर के बाहर कभी घर के अंदर। और अगर अनिका कह रही है तो जरूर कोई है जो उसे परेशान कर रहा है या कर रही है, फॉर श्योर। लेकिन वो कौन हो सकता है? वो जो भी है जल्दी पकड़ा जाएगा, क्योंकि मैंने इस पूरे घर में CCTV कैमराज इंस्टॉल कर दिए हैं जिसे मैं अपने मोबाइल से मॉनिटर कर सकता हूँ। भाभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपका बॉडी वाला देवर आ चुका है यार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और वैसे भी वो कोई भी है उसे अभी तक तो समझ में आ गया होगा, जो लड़की शिवाय सिंह उबरो का गाना कर सकती है उससे दूरी रहना बेटर होगा ना। हां हां बहुत जाए, अब ये कमी नहीं चिरैया एक बार भी हमें दिख गई ना तो एक झांप में दीवार से सटा देंगे, टेंशन मत लो। मेरी दोनों भाभी कितनी वायलेंट है ना, हमेशा मारपीट की बातें करती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, खाना बरेली में कुछ मुश्तंडे थे जो उन्हें भूत बनके लोगों को डराया करते थे। अरे 2-3 का तो हमने ऐसा भूत उतारा था ना, मार मार के भूत ही बना दिया था। एक मिनट भाभी, आप पहले डिसाइड कर लो कि भूत बनाया था या उतारा था। अरे दोनों किया था रोनी भैया, दोनों। You know what guys? अगर प्रैंक होता ना तो कोई प्रैंक एक दिन करता है, दो दिन करता है, रोज रोज नहीं करेगा, राइट? ये तो अब वो चिरैया खुद ही बताएगी, जब कान के नीचे एक झांप पड़ेगा ना सारा का सारा सच खुद ही बाहर निकल आएगा। उस घंटी बाज लुकाई का ना सारा काम तमाम कर देगी गौरी कुमारी शर्मा, देखना। ऐसे टुकुर टुकुर काहे सब घूर रहे हैं, वेट कर रहे हैं किस चीज का? प्लान कब बताओगी तुम? हाँ प्लान, तो प्लान ये है, आज अगर औरत यहाँ गई ना तो बच के नहीं जा पाएगी। हो जाए आप सो जाइए। क्या मतलब है, सोने का नाटक कीजिए तभी तो वो खट्टी बाज लुकाए आएगी ना, सो जाइए। ऑल द बेस्ट। ओके एजेंट ओम, एजेंट गौरी, भाभी सब ठीक है ना? क्या रोडी भैया, हर 2 मिनट में आप एक ही बात बोल रहे हैं हमें। यार मैं बोर हो रहा हूँ, वो आएगी या नहीं आएगी ये पता नहीं, मुझे नींद बहुत आ रही है, कुछ एक्शन नहीं हो रहे इतने टाइम से यार। रुद्र शट अप, मौजाई मौजाई सो तो नहीं थी? नहीं मैं अभी तक जगी हूँ। जब वो आई क्या खट्टी बाज लुगाई? नहीं अभी तक तो नहीं। यार ये लड़कियां हमेशा इतना लेट क्यों होती है? इतना वेट तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का भी नहीं किया, ये जितना लेट आई उतना पिटेगी।
पकड़ लिया। ज्यादा ही मत, आराम से खड़े रहो। पकड़ी गई। आज इस घंटी बाज लुकाई कि हम घंटी बजाएंगे। ओके गौरी गौरी स्टॉप 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 गाइस लिसन स्टॉप। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, तुम लोग इसे बांधो। बोले जल्दी लाओ उसे, छोड़ना मत उसको। बैठ ये लो बांध। पुलिस बस आती होगी, तुम चिंता मत करो। का इस औरत का खेल अब खत्म। थैंक यू सो मच। तुम लोग नहीं होते तो पता नहीं और कितनी रातें मुझे ऐसे डर के काटनी पड़ती। अरे भाभी फैमिली इसीलिए होती है। जब तक पुलिस नहीं आती है देख तो नहीं है कौन। और से पूछे लेट क्यों है? लड़की। अरे हाँ पता था लड़की। कौन हो तुम? Answer me. कौन हो तुम? और इसे पूछे लेट क्यों आई? मैंने आपको बताया ना, मुझे लग रहा है गूंगी है। इंस्पेक्टर ये वही औरत है जिसने मेरी बीवी को परेशान कर रखा है। जूली जूली तेरा बोलना जरूरी है। बोला इंस्पेक्टर ने बोला, मैंने रिपीट किया यार। दिस इज नॉट डन। ये यहाँ की सबसे बड़ी चोर है, काफी टाइम से पुलिस को इसकी तलाश थी। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ये हमारे हाथ लग गई। अरेस्ट कर। थैंक गॉड इट्स ओवर। तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। ओके यू एंड मी। बड़े भैया आपने हमें रोक लिया, वरना इस घंटीबाज लुगाई की ना हम और पिटाई करते। आराम से आराम से, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। All's well that ends well, हाँ। और जब ends well होता है ना तो पार्टी बनती है। सही कह रहे हैं, वैसे भी इतने दिनों बाद हम सब मिले, पार्टी तो बनती है और ऊपर से नया साल भी है। बनती है? पार्टी तो होगी और कार्निवल स्टाइल। कार्निवल स्टाइल? Yes. Okay. बेटे की शिवाय क्या हाई लेवल का रायता फैलाया आपने। ये पार्टी कम और मेला ज्यादा लग रहा है। नहीं वो मेला नहीं, क्या इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं वो काड़ा कार्निवल। हाँ जो भी है बड़ा ही खिड़की तोड़। मतलब शिवाय आपने इतने कम टाइम में इतना बड़ा मेला लगा दिया। अरे मेरा बागड़ पिल्ला कंजी आंखों वाला ऐसे सो ये दब नहीं रहा। एक मिनट अब मिडिल क्लास बीवी लाएंगे तो यही होगा ना। हाय मैं तो ये कहूंगी कि मेरे बागड़ बिल्ले ने कमाल कर दिया आज। कमाल करने का कोई फायदा भी नहीं है। क्या मतलब? क्यों मतलब? कौन देखेगा मेरे इस कमाल? क्योंकि मेरी बीवी जो इतनी खूबसूरत लग रही है। लोगों की नजरें तो उठेंगी नहीं ना तुमसे। बोलती बंद कर दी ना, अभी से बोलती बंद हो गई है। रात के 12 बजे क्या होगा? 12 बजे क्या होगा? कुछ नहीं, 12 बजेंगे और नया साल चढ़ेगा और क्या। एक सेकंड, व्हाट्स दिस लैंग्वेज? चढ़ेंगे मतलब क्या? ये नया साल कोई ट्रक नहीं है जो चढ़ेंगे। चढ़ेगा चढ़ जो भी है, डजंट वर्क लाइक दैट। ओके आएगा नया साल, आएगा। और नया साल कैसे आएगा? नया साल तभी आएगा जब मुंह मीठा होगा। लेकिन आप मीठा खाते नहीं है, प्लीज। आपको तो मीठा पसंद नहीं है। मुंह मीठा मतलब क्या? मैं उस मीठे की बात नहीं कर रहा। थोड़ा सा मुंह मीठा। एक मिनट, एक मिनट। ये तो अभी करेंगे। नया साल चढ़ेगा ही नहीं आपके आपके केस में तो नया साल चढ़ेगा ही नहीं।
क्यों? क्योंकि अब 12 बजे से पहले ही आप घड़े घोड़े और हाथी बेच के सो जाते हैं और क्या। एक सेकेंड, मैं नहीं सोता, सोती तुम हो, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बट सोती तुम हो। ऑलराइट, चश्मा पहन लीजिए। मैं अभी मुंह मीठा कर लूंगा, नहीं तो ओके। पार्टी अभी शुरू भी नहीं हुई और आप लोग सोने की बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, बातें कहाँ करते हैं, बहस करते हैं। या वैसे वेलकम वेलकम या वेलकम टू कार्ड टू द कार्निवल। एंड मुझे आप दोनों को मेरे भाइयों से मिलाना। लगती नहीं रहा, जल्दी जल्दी में पार्टी के लिए लेट हो जाते, माल ही नहीं बना पाए हम। एक मिनट, जल्दी जल्दी, पूरा दिन था तुम्हारे पास। हाँ तो पूरा दिन था हमारे पास, लेकिन जब सीसी के सामने बाल बनाने की हमारी बारी आई ना, तो हमारे जटादारी अपने बाल बना रहे थे। ओंकारा जी, आपको पता है ना, आपको हमसे ज्यादा वक्त लगता है बाल बनाने में, तो रह गए हमारे बाल। एक मिनट, बाल खुले रखो, ज्यादा सुंदर लगती है। अब चलें, कार्निवल के लिए लेट हो रहे हैं। चलें। हाँ। आ गए सब। रुद्र, ओम गौरी। तेज, क्या हुआ? बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं, सुबह से तो मैंने भी नहीं देखा। हाँ, गए होंगे। जेठ जी से तंग आकर। माइंड योर बिजनेस पिंकी। ओ मैं माता, बस ये बिजनेस बिजनेसेस ही करते रहेंगे क्या पूरी जिंदगी? बुढ़ापे में ना बच्चे काम आएंगे, बिजनेस नहीं। पर आपकी हरकतें देखकर तो लग रहा है कि बच्चे आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। शक्ति, अपनी बीवी से कहो कि अपना मुंह बंद रखे, मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहता हूँ इसकी वजह से। कुछ गलत नहीं कहा भाई साहब पिंकी ने। पिछले कुछ दिनों से जो आप कर रहे हैं ना, ओम और रुद्र की जगह अगर मैं होता ना, तो मैं भी अब तक ये घर छोड़कर जा चुका हूँ। मेरे बच्चे घर छोड़ के नहीं गए। ओम को फोन लगा, देखो वो लोग कहाँ हैं। वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए। अशोक, मेरा सामान गाड़ी में रखवा दिया। ओ मैं माता, मम्मी जी आप कहाँ जा रहे हो? इस घर से दूर। लेकिन क्यों माँ? पर न्यू ईयर आने वाला है माँ, आप हमारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करेंगे? जश्न खुशियों का मनाया जाता है तेज, लेकिन तुमने इस घर में कोई भी खुशी छोड़ी कहाँ? माँ सच तो ये है कि दुख तो हम दोनों को भी बहुत है, लेकिन आप ही बताइए, हम लोग ये घर छोड़कर जाए तो कहाँ जाए? ये दुख तुम लोगों ने खुद सहेड़े हैं, तुम्हारी रोज की लड़ाइयों से तंग आकर ओमकारा, रुद्र और गौरी पिल्लू और अनिका के पास चले गए, क्योंकि वो नए साल का स्वागत खुशियों से करना चाहते, कलेश में नहीं। What? वो शिवाय से मिलने गए हैं। वो भी मुझसे बिना पूछे? तुम लोगों ने घर बांटने से पहले उनसे पूछा था क्या? तुम लोगों ने घर तो बांट दी, पर मेरे पोतों का दिल नहीं बांट पाए। मुझे खुशी कि मेरे पोतों ने तुम लोगों के नहीं, अपने दिल की सुनी। लेकिन मम्मी जी आप कहाँ जा रहे हैं? इस घर से और तुम लोगों के रोज के सियापे से दूर। मुझे शांति चाहिए, इसलिए मैं हरिद्वार जा रही हूँ। पहले ये घर मेरा मंदिर था, मेरे भगवान मुझे यहाँ मिलते थे, लेकिन तुम लोगों ने तो उसे घर भी नहीं रहने दिया। तुम लोगों से बड़ा बदनसीब और कौन होगा जो भरा पूरा परिवार होते हुए भी आज बिल्कुल अकेले हैं। ये मकान, इसका खालीपन और ये सूनापन, तुम्हें मुबारक हो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।